इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप दूंगा टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट। चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में, जॉब कर रहे हो, मैं सबके लिए रोड मैप बताऊंगा। हु एम आई टू टेल यू दिस? माय नेम इज ऋतिक महलावत। आई एम बिजनेस एनालिस्ट एंड स्ट्रेटजिस्ट एट वन ऑफ द टॉप कंसल्टिंग फर्म इन द वर्ल्ड। पहले तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि बिजनेस एनालिस्ट आखिर क्या करते हैं। तो बेसिकली हम कंपनीज को उनकी बिजनेस प्रॉब्लम्स में हेल्प करते हैं। एंड अगर आपको डिटेल में जानना है तो अभी आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। अगर आपको डब्बे के सामने बैठकर ब्लैक स्क्रीन पर कोड करना पसंद नहीं है तो ये जॉब आपके लिए है। अगर आपको लोगों की बिजनेस प्रॉब्लम को सुनकर उनको सॉल्व करना पसंद है तो ये जॉब आपके लिए है। इस जॉब में आपको मिनिमम कोडिंग आनी चाहिए, एकदम चुन्नू बरसी। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी पता चले कि उस ब्लैक स्क्रीन से भी आगे दुनिया है, एंड वो दुनिया है बिजनेस की दुनिया। ऑल्सो गाइज, प्लीज डोंट कंफ्यूज बिजनेस एनालिस्ट विद डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट एक्चुअली काफी डेटा ड्रिवन जॉब्स होती है, उसमें एक्चुअली काफी स्टैटिस्टिक्स, कोडिंग, ML वगैरह यूज होती है। जबकि बिजनेस एनालिस्ट जॉब में इट्स मोर अबाउट रिसर्च, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग थिंग्स। तो बेसिकली हमें टॉप सॉफ्टवेयर कंपनीज का तो पता होता है, एंड वो है मैंग। बेसिकली आपका मेटा हो गया, अमेजोन हो गया, एप्पल हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया एंड गूगल हो गया। बट जब वेन इट कम्स टू बिजनेस एनालिस्ट, उनके लिए टॉप कंपनीज मोस्टली सर्विस बेस्ड या कंसल्टिंग फर्म्स होते हैं। एंड उनकी हम बात करें तो वो होती है मोस्टली मैकेंजी, बेन, BCG या फिर आपकी डिलॉयट, EY, ZS, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए हायर करती है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जॉब इन कंपनीज की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी है तो वो है स्किल्स। एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपको फ्री रिसोर्सेज बताऊंगा जहां से आप ये स्किल्स एक्वायर कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कूल स्टूडेंट्स की। तो यार, एक बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सी ब्रांच ली है, चाहे वो कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, PCM हो, PCB हो, कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट मैंने खुद PCM विद कंप्यूटर साइंस ली थी, एंड आज मैं एकदम टोटली डिफरेंट काम कर रहा हूँ एज अ बिजनेस एनालिस्ट इन अ कंसल्टिंग फर्म। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए आपको कॉमर्स या आर्ट्स लेनी चाहिए, आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हो जो भी आपको पढ़नी है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है तो वो है कॉलेजेस। आप ट्राई करना कि आप Tier 1 या Tier 2 कॉलेजेस में एडमिशन ले लो, बिकॉज दैट विल इंक्रीज योर चांस टू क्रैक दीज कंसल्टिंग फर्म्स। बाकी ये मत मानना कि Tier 3 वाले कॉलेजेस का कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट मेरी कंपनी में काफी लोग Tier 3 कॉलेजेस से भी है। तो देयर इज अ वे फॉर everyone। बस ये है कि जो Tier 1 एंड Tier 2 कॉलेजेस से है उनको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है, एंड Tier 3 वालों को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। डिफरेंस बस यही है, बट दोनों ही इस कंपनी में जॉब ले सकते हैं। तो चाहे तो आप स्कूल में मेहनत करके Tier 1 एंड Tier 2 कॉलेजेस में एडमिशन ले लो, या फिर बाद में मेहनत करके जॉब्स फोड़ लेना। ऑल्सो गाइज, रोड मैप तो आपको हर जॉब के लिए ऑनलाइन काफी मिल जाएंगे, बट उससे ज्यादा टफ काम है उन जॉब्स के लिए अप्लाई करना। एंड इसके लिए मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ हायरेक्ट, जो कि इस वीडियो के स्पॉन्सर भी है। हायरेक्ट एक डायरेक्ट हायरिंग ऐप है जहां पर आप टीम लीडर्स एंड HR मैनेजर से डायरेक्टली चैट कर सकते हो विदाउट एनी मिडिल मैन। यहाँ पर फिलहाल 150,000 से भी ज्यादा कंपनीज डायरेक्टली हायर कर रही है। आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके इस ऐप को इंस्टॉल कर लो, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देकर अपनी प्रोफाइल बना लो, एंड इस ऐप का एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको रिक्रूटर से मैच करवा देगा। और प्राइवेसी की बात करें तो आपकी डिटेल्स बिना आपकी परमिशन के रिक्रूटर्स को नहीं दी जाएगी। तो भाई देरी किस बात की, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, उस पर क्लिक करके इस ऐप को इंस्टॉल कर लो एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज को वेलकम करो, क्योंकि हायरेक्ट है तो डायरेक्ट है। अब आते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स पर। अगर आप Tier 1 एंड Tier 2 कॉलेज से बिलोंग करते हो, ऑल्दो आपके लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा व्हेन कंपेयर टू Tier 3 कॉलेजेस, बट बहुत आसान भी नहीं होता। इन कंसल्टिंग फर्म्स में घुसना काफी मुश्किल होता है, आपको अपना रेज्यूमे बिल्ड करना पड़ेगा थ्रू आउट योर कॉलेज लाइफ। ऑल्दो आप किसी भी फील्ड से हो सकते हो, बट इंजीनियरिंग, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड फील्ड्स को थोड़ी ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। इनफैक्ट मैं खुद इंजीनियरिंग से हूँ, एंड मैंने तो IC में इंजीनियरिंग की हुई है, जिसका फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग। तो आपकी ब्रांच वगैरह तो कुछ भी हो सकती है, बट अगर आपने इंजीनियरिंग या बिजनेस फाइनेंस रिलेटेड कोर्स किए होते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं इन कंसल्टिंग फर्म्स को क्रैक करने के लिए। तो अगर आप Tier 1 एंड Tier 2 कॉलेज से बिलोंग करते हो तो काफी हाई चांसेस है ये कंपनीज आपकी कॉलेज में ही आ जाए, जैसे कि डिलॉयट है, KPMG है, EY है, तो ये कंपनीज काफी हायर करती है कैंपस से। एंड अगर आपके कॉलेज में कंपनीज नहीं आती तो आप हमेशा रेफरल या लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। अगर आप Tier 3 कॉलेज से बिलोंग करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो आप MBA कर लो Tier 1 कॉलेज से लाइक IIM या ISB, तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा इन कंसल्टिंग फर्म्स को क्रैक करना। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप एक दो साल किसी और कंपनी में जॉब कर लो,
कोई स्टार्टअप वगैरह भी हो सकता है या फिर कोई छोटी कंपनी भी हो सकती है, एंड उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो इन बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स में। जैसे कि मैं अपने खुद का ही बता देता हूँ कि मैंने पहले 6 महीने किसी स्टार्टअप में काम किया था, उसके बाद मैंने इन कंसल्टिंग फर्म में अप्लाई किया था एंड फिर मेरा सिलेक्शन हुआ था। बट चाहे आप Tier 1, Tier 2 या Tier 3 कॉलेज से हो, उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रेज्यूमे। देखो यार, रेज्यूमे बिल्ड करने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप कोडिंग जॉब्स के लिए जा रहे हो तो आप 3-4 महीने प्रिपेयर करके फिर भी फोड़ सकते हो, बट एक नॉन टेक जॉब के लिए आपका रेज्यूमे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड वो 2-3 महीनों में नहीं बनता, उसको काफ़ी टाइम लगता है। काफ़ी चीज़ें आपको उस रेज्यूमे में डालनी पड़ेगी एंड आप 2-3 महीनों में इतनी सारी चीज़ें नहीं कर सकते। वैसे भी यार, अगर कोडिंग में कुछ गलत हुआ तो उनका सिस्टम क्रैश कर जाएगा, बट अगर बिजनेस में कुछ गलत हुआ तो पूरी की पूरी कंपनी डूब सकती है। एंड रेज्यूमे में आपको बेसिकली 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट इज योर सॉफ्ट स्किल्स एंड सेकेंड इज योर हार्ड स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स होते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। बेसिकली आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको किसी की बिजनेस प्रॉब्लम को सुनकर समझ कर उसको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, तो आपके सॉफ्ट स्किल्स को काफ़ी इंपॉर्टेंट बना देता है। तो सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए चाहे तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट ले सकते हो एंड उनको अपने रेज्यूमे में जरूर मैंशन कर देना। जैसे कि MUNs होते हैं, केस स्टडीज होती है, गेस्टिमेट्स होते हैं, ये कुछ कॉम्पिटिशन्स है जो काफ़ी कॉलेज ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। एंड इनफैक्ट आप डिबेटिंग सोसाइटी वगैरह में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। जो भी ऐसी चीज़ें जो आपकी थॉट्स को चैलेंज करे, उनको डेफिनेटली उस चीज़ में पार्टिसिपेट करना। सेकंड होती है हार्ड स्किल्स। बेसिकली जो भी डेटा होता है उसको एनालाइज करने के लिए हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं एंड उनको ही कहते हैं हार्ड स्किल्स। तो ये हो गई आपकी एक्सेल, ऑल्ट्रेक्स, PPT, टैबलो वगैरह। एंड अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको बस एक्सेल आनी चाहिए, PPT आनी चाहिए, थोड़ी बहुत SQL आनी चाहिए एंड ऑल्ट्रेक्स आनी चाहिए। ये 3-4 चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो। एंड अगर आप इसके रिसोर्सेज पूछो तो YouTube पे ऑलमोस्ट सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, आप जाके सर्च कर सकते हो। जैसे एक्सेल ट्यूटोरियल सर्च कर लो, आपको काफ़ी वीडियोज़ आ जाएंगी एंड उसमें से जो भी वीडियो आपके अच्छी लगे उसको देख लेना। एंड अगर आपको कोई कोर्स भी लेना है कि आपको एक कंबाइंड चाहिए, तो आप Udemy का कोर्स ले सकते हो एक्सेल के ऊपर या फिर कोई ऑल्ट्रिक्स PPT वगैरह के ऊपर। एंड फिर आते हैं वो लोग जो ऑलरेडी वर्किंग है। देखो यार, हर एक सर्विस कंपनी में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, स्पेशली कंसल्टिंग के अंदर। कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग वाला डिपार्टमेंट संभाल, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड केसेस आएंगे वो एक पर्टिकुलर टीम संभालेगी, जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड केसेस आएंगे उसको एक टीम संभालेगी। एंड ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन होती है कंसल्टिंग वगैरह में जब हम बात करते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी प्रोफाइल किसको मैच करती है एंड आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो। सपोज अगर मैं मार्केटिंग में हूँ तो मैं उसी से रिलेटेड इंटर्नशिप्स एंड जॉब वगैरह करूँगा, उसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करूँगा एंड जब भी वैकेंसी होगी उस मार्केटिंग टीम के लिए उस कंसल्टिंग फर्म में मैं अप्लाई करूँगा ताकि उस टीम में जाना पक्का हो जाए। जैसे कि मेरा एक दोस्त था, वो पहले हीरो मोटर्स में था, वहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में था, तो वो चीज़ काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी उसकी, उसको काफ़ी नॉलेज हो गई थी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की। तो जब वो कंसल्टिंग में आया, उसे उसी टीम में डाला जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड केसेस को सॉल्व कर रही थी, जैसे जो टाटा मोटर्स होती है या फिर Hyundai वगैरह से रिलेटेड जितने भी केसेस थे वो उसको मिल रहे थे, क्योंकि उसको उस डोमेन में नॉलेज थी बिकॉज उसने पहले उसमें जॉब की हुई थी। तो जिस भी चीज़ में आप जॉब कर रहे हो उसे अच्छे से करना एंड जब भी वैकेंसी निकलती है उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए उस कंसल्टिंग फर्म में एज अ बिजनेस एनालिस्ट या एसोसिएट आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ कि अगर आप फार्मेसी से रिलेटेड किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आप ZS में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वो जो कंसल्टिंग फर्म है वो मोस्टली फार्मास्यूटिकल्स में डील करती है। एंड अगर आप किसी गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स में इन्वॉल्व होना चाहते हो तो आप McKinsey जैसी कंपनी में काम कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर वो गवर्नमेंट्स के साथ काम करती है स्कीम्स वगैरह बनाने में। तो ऐसे आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो और उसके हिसाब से, अपनी प्रोफाइल के हिसाब से उस पर्टिकुलर कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं 3 skills यू मस्ट हैव। चाहे आप कॉलेज में हो या फिर आप वर्किंग हो, ये 3 skills तो आपके पास होनी चाहिए अगर आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है। तो यार, डिग्री तो मस्ट है अगर आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है, स्पेशली इन बड़ी कंपनीज में, तो आपके पास डिग्री तो ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो किसी में भी हो। बट अगर आपके पास बिजनेस, फाइनेंस या इंजीनियरिंग वगैरह में डिग्री है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। एंड अगर आपने MBA की हुई है तो आपको और ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। सेकेंड इज टेक एंड नॉन टेक स्किल्स, मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपको कुछ हार्ड स्किल्स भी आनी चाहिए जैसे एक्सेल, ऑल्ट्रिक्स या PPT वगैरह। थर्ड इज अ बिजनेस एक्यूमेन, मतलब आपके पास एक बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए। अब बात करते हैं सैलरीज की। तो एक टॉप कंसल्टिंग फर्म में आपकी सैलरी कैन रेंज फ्रॉम 10 lakh to 1 crore रुपीज, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ईयर ऑफ योर एक्सपीरियंस। एक फ्रेशर की सैलरी मोस्टली 10 to 15 lakh के बीच में होती है एंड एक एक्सपीरियंस बंदे की सैलरी 1 to 1.2 crore per annum होती है। अब मैं आपको कुछ फ्री रिसोर्सेज सजेस्ट करता हूँ।
अगर आपको हार्ड स्किल्स गेन करनी है, मतलब एक्सेल, टैबलो, पीपीटी, एसक्यूएल वगैरह, तो यूट्यूब पर सब कुछ फ्री में ऑलरेडी अवेलेबल है। आप सर्च करके डायरेक्टली देख सकते हो, या फिर आप यूडेमी से भी कोर्सेज खरीद सकते हो काफ़ी सस्ते में, 700-800 रुपए में कोर्स मिल जाता है वहाँ पर। बाकी अगर आपको बिजनेस केस स्टडीज एंड गेस्टिमेट्स वगैरह के लिए प्रिपेयर करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा केस इन पॉइंट बुक। ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इनफैक्ट मैंने भी बुक पढ़ी थी, काफ़ी हेल्पफुल बुक है अगर आपको जानना है कि आप बिजनेस केस स्टडीज कैसे सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा दो यूट्यूब चैनल और भी हैं जहाँ पर वो गेस्टिमेट्स एंड केस स्टडीज सॉल्व करना सिखाते हैं, जैसे कि IIM लखनऊ का स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग क्लब, या फिर एक केस इंटरव्यू करके भी यूट्यूब चैनल है बाय फॉरनर, वो भी काफी अच्छे से केसेस सॉल्व करना सिखाता है। इन दोनों के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं ट्राई करता हूँ मैं हर एक बंदे को रिप्लाई कर दूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट किसके ऊपर वीडियो चाहिए। ऑल्सो गाइज थैंक्स अ लॉट फॉर 15,000 सब्सक्राइबर्स, मतलब 15,000 तो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। थैंक्स टू ईच एंड एवरी पर्सन जिसने उस सब्सक्राइब बटन को क्लिक किया है, एंड जिसने नहीं किया वो अभी कर देना। थैंक्स अ लॉट यार, मतलब इट मीन्स अ लॉट टू मी। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं गिव अवे भी करने वाला हूँ, तो उसके लिए भी रेडी रहना। ऑल्सो गाइज डोंट फॉरगेट टू चेक आउट हायरेक्ट, यहाँ पर आप 150,000 से भी ज्यादा कंपनीज के टीम लीडर्स एंड HR मैनेजर से डायरेक्टली चैट कर सकते हो विदाउट एनी मिडल मैन। सो गो एंड चेक देम आउट, बिकॉज हायरेक्ट है तो डायरेक्ट है। ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।